हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ायका विद ज़ैनब। आज मैं आपके साथ पोहा की रेसिपी लेके आई हूँ। यूँ तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेथड से पोहा बनाया जाता है, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड लेके आई हूँ, जिससे कि आपका जो पोहा है वो इसी तरह से खिला खिला बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कांदा पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मीडियम थिक पोहा लिया है। बाज़ार में जाड़ा पोहा और पतला पोहा और मीडियम साइज़ का पोहा भी आता है, तो हमें मीडियम थिक पोहा यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 कप ले ले इसे और इस तरह से स्ट्रेनर में हमें इसे रखना है और रनिंग वाटर से इसे धोना है। तो इसी तरह से सर्कुलर मोशन में आप पानी डालते जाएँ और पोहे को अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करके स्ट्रेनर से पानी को पूरा हमें स्ट्रेन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा जो उसका गंदा पानी है वो निकल के साइड पे हो गया है। अब जो पोहा है उसे हमें इसी तरह से यही सेम स्ट्रेनर में रहने देना है ताकि जो भी पानी है इसके अंदर एक्सेस वो निकल जाए। तो ये देखिए, आप बिल्कुल इसी तरह से इसे छेड़खानी नहीं करनी है इसके अंदर, इसे अब ऐसे ही हम सोख होने देंगे। तब तक अब हमारा मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम करने रखा है और इसमें मैं 2 चम्मच तेल के डाल रही हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून राई डालेंगे। राई और ज़ीरा को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, क्रैकल कर लेंगे ताकि अच्छा उसका फ्लेवर तेल में आ जाए। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके और थोड़े से करी पत्ता। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों का यूज़ थोड़ा कम करें। फ्लेम जो है उसे मीडियम पे ही रखेंगे हम और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। यहाँ पे अब मैं चॉप पोटैटोज़ डाल रही हूँ। तो आलू को मैंने बहुत बारीक बारीक और छोटा छोटा कट कर लिया है, इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आलू को गलाने में। यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े चम्मच भर के मूँगफली ले रही हूँ। तो मूंगफली जो है ये कच्ची है, इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। जो नटी फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है पोहा के अंदर। आप चाहे तो रोस्टेड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं चीनी डाल रही हूँ, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन आप ज़रूर से इसे डालें अगर आपको डालना पसंद है तो, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बैलेंस हो जाता है टेस्ट। 2 स्मॉल साइज़ के मैं यहाँ पर प्याज कट करके डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। इसे हमें कलर चेंज नहीं करना है, ट्रांसलूसेंट रखेंगे, 2-3 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कलर तो हल्का सा चेंज हुआ है, ट्रांसलूसेंट हो गया है, बस इतना ही हमें इसे पकाना होगा। अब यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि जो कच्चापन होता है हल्दी का वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसे भी फ्राई कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे अच्छे से सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। अब बारी आती है पोहे की। तो ये देखिए हमारा पोहा एकदम खिला खिला सा है, बिल्कुल अच्छा है, ज़रा भी चिपचिपा पोहा नहीं है। इसे डाल देंगे हमारे पैन के अंदर और इसे भी हमारे जो आलू है और प्याज का मसाला है उसमें मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है उसे हम लो पे ही रखेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। अब बारी आती है नमक की। हमने नमक नहीं डाला है अभी तक, तो 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, या आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को भी अच्छे से पोहे के अंदर मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, थोड़ा सा पानी लें और इसी तरह से हाथों से इस पानी को स्प्रिंकल कर दें। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, तकरीबन यहाँ पे आप 1 टीस्पून जितना पानी ले लें और इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और फिर इमीडिएटली ढक्कन ढक दें पैन का और 1 मिनट तक इसे कुक होने दें। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा के आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जो पोहा है हमारा वो सेट हो गया है। यहाँ पे जब पानी डालें आप तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि पानी डालते के साथ आपको चम्मच नहीं चलानी है, नहीं तो जो पोहा है वो एकदम हलवे जैसा बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें इसी तरह से खिला खिला पोहा चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा पोहा सेट है। अब लास्ट लेमन जूस, इससे बहुत अच्छा खट्टापन आ जाता है और बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ और ये नींबू का रस गया अंदर। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी सारे मसाले हमने डाले उन सबका फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए आप, और खुशबू है फ्रेंड्स बहुत अच्छी आ रही है।
और प्रोसेस भी मैंने आपको जैसे बताया बहुत सिंपल है। लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पत्ती, मैंने बारीक धनिया पत्ती चॉप की है और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। देख सकते हैं आप जैसे ही धनिया पत्ती गई इसका कलर कितना अच्छा दिखने में आया, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है वैसे तो। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल खिला खिला सा। ये फाइनल लुक है हमारे पोहे का। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा खिला खिला कांदा पोहा बिल्कुल बनकर तैयार है। एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहा मैंने आपको सिंपल और इजी तरीके से कैसे बनाते हैं वो बताया है। लास्ट में धनिया पत्ती डालेंगे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए और थोड़ी सी बारीक सेव, अगर आपके पास भुजिया सेव है तो आप वो भी डाल दें, ना है तो मत डालें, इट्स ओके, तो भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं आप कितना लाजवाब दिख रहा है, बहुत टेस्टी है खाने में। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।